Hey guys, hope you all are fine. तो आज हम बात करने वाले on how to use your LinkedIn account on the most effective way. ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले और important बात कि अगर तुम अभी तक LinkedIn पर नहीं हो, तो make your LinkedIn account right now. अरे वाह, good idea. अब लोग बोलेंगे यार हम Insta, Facebook पे तो है, तो LinkedIn की क्या जरूरत है? नहीं, Insta और Facebook are social media platform, लेकिन LinkedIn एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है. इसमें आप प्रोफेशनली लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनके साथ नॉलेज एक्सचेंज कर पाएंगे. इससे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, इससे आप इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हैं, इससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं. इसको आप इतने तरीकों से यूज कर सकते हैं जिनसे आपको बेनिफिट मिलेगा. इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर में तो लिंक्डइन को किस तरीके से यूज करना चाहिए, अगर आप थर्ड ईयर में और इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं तो किस तरीके से यूज करना चाहिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको स्विच करने में किस तरीके से यूज करना चाहिए, और अगर आप फ्रेशर है जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको इसमें किस तरीके से यूज करना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट है आप कोडिंग करना चाहते हैं और आपको कोई साथी नहीं मिल पा रहा है तो इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए. ठीक है, तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो. सो शुरू करने के पहले लेट्स डिस्कस सम 3 डूज जो तुमको करने ही करने चाहिए व्हेन यू आर ऑन लिंक्डइन. सबसे पहले चीज, कीप योर प्रोफाइल अपडेटेड. एंड ऑफ डिस्कशन. क्योंकि यूजुअली लिंक्डइन का एल्गोरिथम इस तरीके से वर्क करता है कि अगर तुम कोई पर्टिकुलर कीवर्ड कोई सर्च कर रहा है तो वो वाला प्रोफाइल सबसे ऊपर दिखाएगा जो मोस्ट रिसेंटली अपडेटेड है या जो फ्रीक्वेंटली अपडेटेड है. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. तो हर एक हफ्ते दो हफ्ते में अपने प्रोफाइल को थोड़ा अपडेट करते रहो, चाहे अपना जो बायो है जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा ट्वीक कर दो, अपना कोई नया सर्टिफिकेशन डाल दो या कुछ भी, किस प्रोजेक्ट पे तुम करेंटली वर्क कर रहे हो, जो तुम्हारे करेंट इंटरेस्ट है, थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहो अपने प्रोफाइल को. इससे तुमको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, तुम्हारी जो व्यूज है प्रोफाइल व्यूज वो काफी बढ़ेंगे. अगर व्यूज बढ़ेंगे तो तुम्हारे कनेक्शन बढ़ेंगे, कनेक्शन बढ़ेंगे तो यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी. दूसरी चीज, डू इंटरेक्ट विद द पीपल विद द पोस्ट. किसी पोस्ट तुमने देखी तुम्हें अच्छी लगी उसको लाइक करो. अगर तुम्हें कोई पोस्ट पे जेन्युइनली तुम्हारे पास कोई व्यूज है तो उसके ऊपर कॉमेंट करो. इंटरेक्ट विद द पोस्ट, इंटरेक्ट विद पीपल, उससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, ना ही सिर्फ तुम्हारी रीच को, तुम्हारे कनेक्शंस को, बल्कि यू विल गेट टू इंटरेक्ट विद सो मच इंटरेस्टिंग पीपल, तुम्हें इतना कुछ सीखने. एक और तीसरी चीज कि कभी हेजिटेट मत करो किसी को पहले मैसेज करने के अंदर. यूजुअली लोग हेजिटेट करते हैं कि यार मैं इसको पहले मैसेज कर दूंगा तो ये क्या सोचेगा अगर इसने रिप्लाई नहीं किया. तो डोंट हेजिटेट इन मैसेजिंग फर्स्ट. क्यों नहीं? हाँ, लेकिन जब मैसेज कर रहे हो तो उसको भले ही फॉर्मली थोड़ा लिखो, लेकिन नेवर हेजिटेट इन मैसेजिंग फर्स्ट, क्योंकि तुम कोई बुराई नहीं कर रहे हो. लिंक्डइन बना ही इसीलिए है ताकि लोग आपस में नेटवर्क कर सके, अपने लाइक माइंडेड पीपल से बात कर सके. तो अगर तुमने किसी अननोन आदमी को मैसेज जब तक नहीं करोगे तब तक तुम अपना नेटवर्क कैसे ग्रो करोगे बेसिकली, राइट? सो नेवर हेजिटेट इन मैसेजिंग फर्स्ट. अगर आप कॉलेज के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के अंदर हैं एंड आप सोचेंगे कि लिंक्डइन पर भी मेरा क्या काम, लिंक्डइन तो बस और बस जॉब ढूंढने के काम आती है ना. ये क्या बात करता है यार? नहीं, ऐसा नहीं है. लिंक्डइन के थ्रू आप जॉब ढूंढने के अलावा बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं. सो इफ यू आर इन फर्स्ट और सेकंड ईयर, बी ऑन लिंक्डइन, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में यूजुअली हम सोचते हैं कि हम कोडिंग स्टार्ट कर लें, हम कुछ नया स्किल सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमको क्या कॉलेज में ग्रुप नहीं मिल पाता, कि हमारे लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिल पाते, तो हम वो छोड़ देते हैं. तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि लिंक्डइन पे जैसे आपको आपने सोचा है कि मैं डेली एक क्वेश्चन करूंगा, तो सर्च वो पर्टिकुलर हैशटैग लाइक डेली कोड ऑन लिंक्डइन. उसमें आप नीचे जाएंगे तो आपको लोगों की पोस्ट मिल जाएंगे जो ऑलरेडी ऐसा चैलेंज लेके बैठे हुए हैं, जो डेली एक कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. तो आप उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि दैट आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू दिस, आई कैन डू इट. आप उन्हीं के साथ कर सकते हैं, आप उनसे नॉलेज ले सकते हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था. तो इट विल रियली हेल्प यू अलॉट. सेकेंड थिंग कि जब आप फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में होते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री में ट्रेंड्स हैं उनके बारे में काफ़ी कम नॉलेज रहती है, तो आपको समझ ही नहीं आता कि कॉलेज के फ्री टाइम में आपको क्या करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में ज़्यादा हेल्प करे. आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया. तो आपको इन ट्रेंड्स के बारे में भी लिंक्डइन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पता लग सकता है. एंड ये फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपको सबसे बड़ी चीज ये करनी चाहिए कि आपको अपने नेटवर्क को ग्रो करना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि यही नेटवर्क आपको आगे जाके एज अ फ्रेशर जॉब ढूंढने में या जॉब स्विच करने में काफी ज्यादा काम आएगा. तो ट्राई कनेक्टिंग विद अल्यूमिनाइज ऑफ योर कॉलेज, विद पीपल दैट यू वॉन्ट, विद द पीपल वर्किंग इन द सेम विल दैट यू वॉन्ट टू वर्क इन फ्यूचर, या किसी भी तरीके से लोगों से कनेक्ट करिए. तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा. आप दिन का आधा एक घंटा फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, उसमें से 10 मिनट निकाल के बस बस लिंक्डइन को अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा. एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि
आपका जो इंटरेस्ट है ना वो लिंक्डइन स्क्रॉल करने में ज्यादा आ जाएगा रादर देन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सीरियसली ट्राई दिस। भाई ने बोला करने का तो करने का। एक और चीज, जब आप लिंक्डइन पे नए आएंगे तो ट्राई फॉलोइंग पीपल दैट आर वेरी इन्फ्लुएंशियल दैट पोस्ट सच अ गुड कंटेंट ऑन लिंक्डइन, जैसे अंकुर वारिको सर, अभिजीत भादुरी सर, उनको लोगों को आप फॉलो करेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लाइफ, अबाउट प्रोफेशनलिज्म, अबाउट डूइंग अ स्टार्टअप, अबाउट मैनेजिंग मनी। तो डू बी ऑन लिंक्डइन एंड अपडेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल व्हेन यू आर इन फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ योर कॉलेज की व्हाट यू आर स्टडिंग एक्चुअली, व्हाट आर यू करेंटली इंटरेस्टेड इन, की बी अपडेटेड ऑन योर लिंक्डइन। नाउ कमिंग टू द टाइम, थर्ड और फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप ढूंढ रहे होते हैं या जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, तो अगर आप इंटर्नशिप एंड जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो यूजुअली क्या होता है आईआईटीज वगैरह में, तो क्या इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आ जाती है। लेकिन हमारे सेकंड थर्ड ईयर कॉलेज में जो होता था कि इंटर्नशिप के लिए कंपनी ना आती थी तो हमको खुद से ही जाना पड़ता था, एंड और जॉब के लिए भी अगर हमको ऑफ कैंपस अप्लाई करना था तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, बिना रेफरल के यूजुअली जो है नहीं मिल पाती थी जॉब्स। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करें। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे आपने ढूंढा, आपने बोला कि मेरे को चलो ओरेकल में जॉब करना है, यू गो टू ओरेकल वेबसाइट, यू लुक फॉर ओपनिंग जो आपके स्किल से मैच करती है ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। आपने वो जॉब ढूंढा, ठीक है ये जॉब आईडी है, यू नोट इट डाउन, देन यू गो टू लिंक्डइन एंड सर्च फॉर ओरेकल, उसमें आप एंड पुट अ फिल्टर ऑफ योर कॉलेज नेम। तो आप फिल्टर करेंगे तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ अल्यूमनाइज जो उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। क्यों कनेक्ट विद देम एंड मैसेज देम प्राइवेटली दैट सर आई एम अ स्टूडेंट इन इन दिस 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 कॉलेज, करेंटली पर्सुइंग दिस 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 डिग्री एंड आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन दैट फील्ड, प्रिपेयर अ फॉर्मल मैसेज एंड आई सॉ दैट वी हैव यू हैव ओपनिंग इन योर कंपनी, सो कैन यू प्लीज रेफर मी, एंड यू विल अमेज टू नो दैट पीपल एक्चुअली रीड द मैसेज एंड वो दे विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड प्रोवाइड यूर रेफरल। तो इसके थ्रू आप एटलीस्ट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी तो ले ही लेंगे। And most of the time, 80% of the time, you will surely get an opportunity for at least an interview. उसके बाद तो आपके skills के ऊपर. Same goes for job and same goes for internship. Now, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी particular company को target नहीं करना है. You are just looking for a job in the software field. So, just search for that job title and you will get a list of jobs. इसमें आप actually देखेंगे, LinkedIn खुद ही provide करता है कि देखो आपके इतने connections हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वहां पे अप्लाई कर दे एंड ऑल्सो मैसेज दोस पर्सन्स प्राइवेटली ऑल्सो कि सर मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, सो कैन यू प्लीज टॉक टू द एचआर और टॉक टू एनी रिप्रेजेंटेटिव इन योर कंपनी, ताकि आपको जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाए एंड यू एटलीस्ट गेट इट अपॉर्चुनिटी। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा। तो यूजुअली क्या करते हैं ना लोग सिर्फ जॉब पे अप्लाई करके छोड़ देते हैं कि हो जाएगा, ऐसा नहीं करिए। अगर आपके पास ऑप्शन है किसी को मैसेज करने का जिससे आपका काम फास्ट हो सकता है या आपको थोड़ा पुश मिल सकता है, तो व्हाई नॉट डू दैट, तो ट्राई मैसेजिंग दोस्त। तो आज बस इस टॉपिक के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ऐसे बहुत सारे वीडियोज अलग अलग तरह का कॉन्टेंट देखना है तो सब्सक्राइब करना, डू सब्सक्राइब एंड होप टू सी यू समवेयर इन माई लाइफ। बाय।